फ्रेंड्स, कल मैं गांव को गई थी ना, तब आते वक्त क्या हुआ पता है? इतनी बारिश हुई, मैंने एक वीडियो कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो मैं आज आपको वो दिखाऊंगी। बहुत बारिश हुई थी। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से मेरे गांव के खेत में आ गई हूँ। आप देख सकते हो। क्या कर सकते हैं, मन तो नहीं था लेकिन आना पड़ा, क्योंकि माँ बाप को काम होता है और छोटी है इसलिए तो मानना तो पड़ता ही है। देख लीजिए आप फिर से हमारा खेत, देख लीजिए। मन नहीं करता लेकिन आना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो ये खेत तो नहीं है, ये पहाड़ है और यहाँ पे बैल गाय घास चरने आते हैं। देख लीजिए, ये खेत हमारा बहुत दूर है पर हम इसे पहाड़ पर आए हैं। देख सकते हो, यहाँ से खेत का रास्ता है, वहाँ पे हमारा खेत है, बहुत दूर है। हम तो जाते नहीं, जिनको काम है वो जाते हैं, मम्मी पापा। देख सकते हो आप, मुझे तो बहुत बोर हो रहा है इसलिए मैं घूम रही हूँ अभी। तो खेत में अभी छाव आई है फिर से, पहले सूरज अपनी किरणें बरसा रहा था, अभी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। मुझे लगता है सूरज किरणें फिर से बरसाएगा, तो मैं यहाँ पे एक चटाई डाल के बैठ जाऊँगी और आपके साथ बातें करूंगी। अभी मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे मैंने आते वक्त ले लिया था सामान, तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट चिवड़ा लिया है और ये दो केले और ये दो संतरे और ये ठंडी पानी की बोतल। तो अब मैं नाश्ता करूंगी, तो आप भी आइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। वैसे एक बात तो सही है, यहाँ पे बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। ये हरी हरी घास में बैठना और नाश्ता करना, आहा, ठंडी ठंडी हवा, सूरज की ये किरणें, वाह वाह वाह। अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरा भैया गया है मेरे पापा के साथ काम के लिए खेत में और मेरी मम्मी और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। वैसे एक बात आपने नोटिस की है, जब भी शहर के लोग गांव में आते हैं, जैसे कि हम गांव में आए हैं, तो लोग ऐसे दिखते रहते, गांव के पीछे मुड़के ऐसे दिखते। अरे गांव में आए नहीं क्या शहर वाले, क्या कर देते हैं। आपको भी लगता होगा कभी कभी, कमेंट करके बताएं जरूर। आप भी अगर अपने गांव गए तो ऐसा ही होता है क्या, कमेंट करते जल्दी से बताओ। वैसे एक बात गौर करने लायक है, मैंने आते वक्त देखा कि बहुत धूप में बहुत से लोग खेत में काम कर रहे थे। अगर वो अनाज उगाते हैं तो हमें वो खाने को मिलता है ना, नहीं तो हम भूखे पेट रहते। वो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी धूप में बारिश में भी वो बहुत काम करते हैं, आपने भी न्यूज़ में देखा ही होगा। हमको जैसे संडे को या अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था साल भर, उसकी वजह से तो छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उन्हें तो साल भर छुट्टी नहीं मिलती है, उन्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना। अगर हम ऐसा काम करें तो एक दिन में हम बेड पे लेट ही जाएंगे, तो उनका हमें शुक्रिया तो करना ही चाहिए। क्या करूं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे गाड़ी की छाव मिल रही है मुझे, मैं गाड़ी के
दूसरी साइड पे बैठी हूँ अभी चटाई डाल के। तो आपको क्या बताऊँ, मैंने सुबह जो पकोड़े वाली कढ़ी खाई थी, आहा, अभी तक टेस्ट याद आ रहा है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। और आपको एक बताना चाहती हूँ कि कभी तो मैं इस पहाड़ पे 24 hours चैलेंज तो करूँगी ही, अभी नहीं लेकिन कभी कभी। गांव के लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी मुझे एक भैया मिला, वो मेरी पहचान का भी नहीं था, लेकिन उसने कहा, दीदी ये हमारे गांव का तुम्हें वातावरण अच्छा लगा? अब मैं भी अच्छी से बोली उसके साथ, तो अभी वो गया है खेत में और वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं भी मेरी पब्लिसिटी बढ़ाऊँगी गांव में भी। इधर के लोग जो पहचान वाले भी नहीं हो, वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि हम हमारी पहचान वाले हो, इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ बात करते हैं। और शहर वाले तो हमारे साथ 2 मिनट तक बात नहीं कर सकते, उनको कितना काम होता है। और खेत वालों को भी, मतलब गांव वालों को भी कितना काम होता है, फिर भी वो थोड़ा टाइम निकाल के हमारे साथ बात करते हैं। तो ये भैया अब मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ आके सब्सक्राइब करने वाला है। हे बघा, हा तो भैया आहे, बघू शकता तुम्ही। भैया तुझं नाव काय आहे? कृष्णा शेषराव चाते, मुक्कामोड चाता, पोस्ट बराडी, तालुका सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद। आम्ही गावाकडे आलेलो आहे आणि हा तो भैया आहे, तुम्ही बघू शकता। तू दिवसभर काय करतो इथे? ढोरांना चारा पाणी चारण्यासाठी येतो। सगळे शेतकरी करतात ना? हो। तुझ्या सोबत मिळून करता? हो पूर्ण। इथं कसं वातावरण आहे? एकदम सुंदर आहे। शहरातलं वातावरण थोडं म्हणजे असं नैसर्गिक वातावरण नाही, इथं कसं डोंगर भागात थोडं चांगलं वाटत। इथं सगळीकडे गवत, झाड आणि बघितलं नाही आता, लोदड पडत गेलं बघे नाही, बसलेलं होते जाळीमध्ये। मला इकडचं वातावरण खूप भारी वाटलेलं आहे आणि मी आता नेहमी इकडे येणार आहे व्हिडिओ बनवण्यासाठी। म्हणजे मला जर येता येईल इकडे तर मी दररोजच यायला तयार आहे, पण जेव्हा काम असलं तेव्हा आम्ही येऊ आणि मला खूप मजा येईल। आणि भैया थँक यू माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं। बहुत ही बोर हो रहा है तो मैं यहाँ पे टहल रही हूँ, देख लीजिए। कल वो भैया आया था ना, तो उसने मुझे 2 बिच्छू इतने छोटे छोटे दिखाए थे, बहुत डेंजर होते हैं। वो वहाँ पे गाय को चराने आया था, तो उसने एक पत्थर के नीचे 2 इतने इतने मुझे बिच्छू दिखाए थे। उसको भी वो ऐसे मतलब उसके भी ऊपर वो चढ़ रहे थे। टूटे हुए देखो मेरे थाम जाओ हाथ, यूं ही कभी
नॉर्मल खुड़के नॉर्मल जंतर डंक मार फ्रेंड्स आता घरी जायची तयारी झालेली आहे आणि आम्ही जातोय आता घरी. मला खूप मजा आली. चलो दिसत नाही ना सेने भैया मग परत भेटू. कधी भेटणार आहे? कधी आता आ जा उठा. कॉल कर. बाय बाय बाय. बघू शकता तुम्ही कसा हा रस्ता आहे. शेत आहे. तर मित्रांनो आम्हाला घरी जाताना एक छोटासा धबधबा सापडलेला आहे. तर मी तुम्हाला तो आता दाखवते. धबधबा तर नाही म्हणता येणार पण धबधब्यासारखंच आहे. मी आता तुम्हाला दाखवते. हे बघा इकडून ते पाणी येत आहे आणि इकडे जात आहे. बघू शकता तुम्ही हे असं पाणी येत आहे इकडून. छोटासा धबधबा सारखा आहे हे. बघा हे खूप पाणी.